सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू डू टुडे इनफ द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल सॉरी द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द अब ध्यान से इस क्वेश्चन में मेरी बात सुनो जैसे आपने ये क्वेश्चन पहले भी किया 13.4 में जिसने हमारे पास गिवन था दैट द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ ठीक है इफ डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ देन द रेडियस ऑफ मून इज आल्सो 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है ठीक हो आप नॉट वेल आंखें कैसे लगी इन्फेक्शन है व्हाट फ्रैक्शन अब देखिए बेटा 13.4 के क्वेश्चन निकालिए प्लीज आई हैव टू टेल यू द डिफरेंस हियर 13.4 में लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज तो हमने जो रेशियो निकाला सरफेस एरिया किसका है स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² इसमें हमने क्या किया ध्यान से सुनो इसमें हमने हमारे पास क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है मून तो हमने मून का सरफेस एरिया ऊपर रखा अर्थ का नीचे क्यों क्योंकि मून पहले लिखा है ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में पहले मून लिखा है फिर अर्थ लिखा जो सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन है उसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ मून ओवर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ किया एज पर द क्वेश्चन इसमें क्या है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून नाउ डायमीटर ऑफ अर्थ is 1/4 of moon is 1/4 of the diameter of earth radius of moon is 1/4 of radius of earth इसमें अब आपने क्या करना है फ्रैक्शन निकालनी है जब आपने फ्रैक्शन निकालनी होती है फ्रैक्शन इज व्हाट पार्ट ऑफ द होल इसमें जो छोटा फ्रैक्शन जिस जो चीज छोटी है उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है तो किसको न्यूमरेटर में रखोगे मून को इसलिए इस क्वेश्चन में आप लिखोगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑफ मून ओवर वॉल्यूम ऑफ अर्थ इधर देखो स्फीयर है व्हाट इज द यस कीर्ति कृति जो भी हो आप व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एक मिनट कोई और क्यों बोलता है बीच में स्फीयर का वॉल्यूम क्या है नीचे करके बोलो उसको ऊपर करके क्यों बोल रहे हो पाई आर क्यूब 4/3 π रेडियस ऑफ मून क्यूब ओवर 4/3 π रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब 4/3 π कैंसिल व्हाट वी आर लेफ्ट विद रेडियस ऑफ मून क्यूब ओवर रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब अब रेडियस ऑफ मून क्या है 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ इसको यहां पुट करेंगे इधर देखो 1/4 नहीं करना एक्सपेक्ट क्या जरूरत है कर लो कोई गलती नहीं है बट मैंने नहीं करा आर एम को हमने 1/4 आर ई से रिप्लेस कर दिया 1/4 आर ई क्यूब नीचे ऑलरेडी आर ई क्यूब है ये इसका क्यूब 1/64 आर एम क्या है बेटे 1/4 आर क्यूब आर एम का क्यूब है तो इसका मतलब आर एम को रिप्लेस किया 1/4 ऐसे कर लो अगर ये स्टेप यहां से यहां पर आर ई क्यूब ओवर आर ई क्यूब ये लो दोबारा कर देती हूँ ये समझ आई बात आर एम हाँ वो भी कर सकते हैं वो इजी लगता है तुम्हें वो कर लो ये लो अगर 1/4 में कंफ्यूजन होती है यहां से लिख सकते हो 4 RM is equal to RE, वो फ्रैक्शन खत्म ही हो जाएगी
आर इज वॉट फोर आर एम, आपके पास क्या बचता है यहां से, आर एम क्यूब ओवर आर ई क्यूब, आर एम क्यूब आर ई क्या है फोर आर एम, फोर का क्यूब 64, आंसर जैसे मर्जी। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करके करोगे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऊपर वॉल्यूम ऑफ मून नीचे, तो आपको फिर नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज हियर यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन में द स्मॉलर थिंग कम्स इन द न्यूमरेटर। आगे समझ, शिवांश नोट कर रहे हो, कर लिया है? हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो, यस, नो, नो, वेरी गुड, आई कैन, आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन। क्या लगा? एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, बेटा आप लोग थोड़ा फास्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अब इसमें हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हरनूर, ओनली हरनूर विल स्पीक, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हांजी हांजी, क्या ये देखा ना, जिस दिन पढ़ा दोबारा हांजी नहीं करेगा तू, एवरीवन कीप क्वाइट, साहिल और तुम देखोगे तो बोल रहे हो ना, ये कहता है मैम अलग करते हो, टू बाई आर ऐसे था कुछ, बेटा ये मजाक नहीं है हरनूर, ठीक है, अगर आप अपने लिए सीरियस नहीं हो तो फिर क्या, देखो मेरे फेलियर्स लिस्ट में तो तुम काउंट होते हो ना, फिर आई ओ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे थोड़ी बनना, तो टू पाई आर बोल, पाई आर बोल, चाहे कुछ ना बोल, मुझे क्या, बट वेन यू आर इन माई क्लास आई हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत बात है, आप लोग मजाक ही मजाक में ही ले रहे हो सब कुछ, ऐसे ही था कुछ, यस बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, अगर सिंपल 2 पाई आर क्यूब भी लिख दोगे तब भी जीरो है, वॉल्यूम है, ये सरफेस एरिया था हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, अगर 2/3 आ गया, देखो ना डिनोमिनेटर में थी पावर में 3, ऐसे कुछ करके याद रखो, वैसे तो इतना लॉजिक, वॉल्यूम है तो तीन तीन आएंगी चीजें, तो 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला करेक्ट है तभी नंबर है, वरना 2 पाई आर क्यूब के भी कोई मार्क्स नहीं है कि मैडम सिर्फ 3 लगाने ही तो भूल गए, नो, वैसे अप्रोक्सीमेट आंसर में इधर उधर होता है तो आधा नंबर कटता है, बट अगर 2 पाई आर क्यूब से भी अप्रोक्सीमेट तो पहुंचोगे ना, क्योंकि सिर्फ 3 से ही तो डिवाइड नहीं किया, तब भी फॉर्मूला गलत, जीरो नंबर, आगे समझ, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यू विल फाइंड इट विल कम इन सेंटीमीटर क्यूब, यू नो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, You have to find the volume in liters. तो क्या करोगे? 1000 से divide. ठीक है? So that this you will do yourself. Next question. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter. Find the volume of the iron used to make the tank. एक hemispherical tank है. Thickness given है
इनर रेडियस गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ आयरन, नॉट वॉल्यूम ऑफ टैंक. कि उस टैंक जिसकी थिकनेस, जिसकी जो ये आयरन, आयरन की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और रेडियस जो भी गिवन है, वो आयरन कितना लगेगा, मतलब कितने मार्केट में हेमिस्फेरिकल टैंक बनाना है किसी ने, उनको उन्होंने आयरन के साथ बनाना है, ठीक है. तो साइज पे डिपेंड करता है ना, जिसका रेडियस, इनर रेडियस 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, समझ आ रही है बात. तो उस पे कितना वो आयरन लगाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा. ना 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 ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा है ना बेटे, कि वॉल्यूम मतलब कि कितना आयरन लगेगा. आयरन मेल्टेड है, सपोज करो मेल्टेड, उसको आपने एक शेप देनी है. टीएसए होता है, ये ध्यान से सुनो, टीए टोटल सरफेस एरिया की एक टैंक है, वो कितना एरिया कवर करता है, उसको हमने रख दिया, उसका एरिया कितना है, एरिया मतलब जिस पोर्शन को हम टच कर सकते हैं, वो हो गया. क्योंकि हाउ मच मेटल शीट इज यूज्ड, तो हाउ मच मेटल शीट इज यूज्ड आ जाए तो हम लिखते हैं उसका टोटल सरफेस एरिया की इतने, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं. यहाँ पर कहते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन की कितना आयरन यूज होगा. आयरन मेल्टेड है, उसको मैंने एक शेप देनी है, तो वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालने के लिए इसका मतलब जो उसका हेमिस्फेरिकल टैंक का आउटर वॉल्यूम है माइनस इनर वॉल्यूम. ये देखो, ये है हमारी थिकनेस कितनी, 1 सेंटीमीटर. ये है हमारा इनर रेडियस, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. हमने ये निकालना है कि इस आयरन मतलब इस टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन लगेगा. इसके लिए हमें, मान लो ये थिकनेस नहीं है, मान लो पतली सी आयरन है, थिकनेस नहीं है, तो इसका पूरा वॉल्यूम. अब थिकनेस है तो माइनस इनर वॉल्यूम, तो आपके पास आ जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड. समझ आ गई क्वेश्चन, कि इन्होंने क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है हाउ मच वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम वर्ड ना भी लिखा हो, फाइंड द आयरन यूज्ड, आयरन कितना यूज हुआ है, उसके लिए भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम. ठीक है, मान लो आपकी ये पास एक कैंडल है, कैंडल मेल्टेड है, वो जो सॉरी मोम होती है मेल्टेड है, ठीक है. उससे आपने एक हेमिस्फेरिकल बनाना है, थोड़ा सा मोटा, तो कितना थिक कैंडल का वो जो ये मोम है, कितनी यूज होगी, जितना उसका टोटल वॉल्यूम बाहर से पकड़कर अंदर जितनी भी चीज आ सकती है, माइनस जिसमें आप जितने अंदर आप पेटल्स डाल सकते हो, सपोज अंदर से खाली है, तो वो जब माइनस करोगे तो वो थिकनेस आ जाएगी कि इतनी मोटी हमारी कैंडल है. बात समझ में आ गई. तो इसका मतलब हाउ टू फाइंड दिस वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. सो वी विल फाइंड आउटर वॉल्यूम एंड इनर वॉल्यूम सेपरेटली. आप सीधा भी एक ही स्टेप में भी कर सकते हो. अलग अलग फाइंड करने से क्या होता है कि हमें अलग अलग स्टेप के मार्क्स मिल जाते हैं, इनकेस इकट्ठे में गलती हो रही हो. तो आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में इनर रेडियस 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर. सो आउटर रेडियस, आउटर रेडियस इज व्हाट, इनर रेडियस. ये सबको समझ आ गई बात, दैट आउटर रेडियस जो अंदर वाले रेडियस है प्लस थिकनेस. रिद्धिका समझ आ गई बात, 100 + 1 = 101 cm. Now find out the outer volume. वैसे ना सीधा भी निकाल सकते हैं, अगर सीधा निकालते हो ना तो 4/3 pi कॉमन आ जाता है. वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम इज 4/3 pi r³, इनर वॉल्यूम इज 4/3 pi r³. ये रब कर दूं,
यस और नो? ऊपर वाली इंफॉर्मेशन अब कर रही हूँ बेटे, हेमिस्फीयर है 2/3, यस, सिंस इट इज अ हेमिस्फीयर सो वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आई कैन टेक कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर इज 101 माइनस, अब 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, आइडेंटिटी लगाने का फायदा नहीं है, फिर उसमें स्क्वायर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेटर है 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ जो भी आएगा कैलकुलेट करके, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट करो और कैलकुलेशंस रीड कर दो प्लीज, डू एट होम, आई नीड टू फिनिश द चैप्टर टुडे। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, हाँ नहीं 5, 6, 7, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन सो इजी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, लेकिन हमें रेडियस नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज 4πr² इज इक्वल टू 154, रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसको करके कर लेना अपने आप, ओवर 3 सेंटीमीटर, इससे आपने आगे कैलकुलेशन करनी, मान लो एग्जाम तक यहाँ तक इजीली होगी, फटाफट से कटिंग होगी और आपके पास ये बचा, तो इफ यू आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम लीव इट हियर, ठीक है, ये नहीं कि हाँ इसको कर ही लेते हैं हम, चाहे हमारा 4-5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए, नो लीव इट बेटा, हाफ ही कटेगा ना मैक्सिमम, तीन बार कैलकुलेशन में हमें पता नहीं चलता, देखते देखते हमारे 5 मिनट इतने समय वेस्ट हो जाते हैं, फिर आगे टाइम को मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना, लीव द कैलकुलेशन, लीव द स्पेस, टाइम बचे तो लास्ट में करिए, इतना तो फिर आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए है ना, स्पेस छोड़ दो बाकी क्वेश्चन करो, फिर बाद में 5 मिनट बच जाए तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लो, बट जब क्या है हमारी आदत क्या है, हम जब हमारे पास फुल टाइम है तब हमने आराम आराम से करना के बाद में रखें, ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंगली करो, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन यू, नो एनी डाउट, नहीं बेटे ये देख r² है 7 × 7/4,
मतलब 2 इनटू 2 तो स्क्वायर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees this. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome, then volume of the dome. Dome कैसा है? Hemisphere. Volume निकालने? Volume of the hemispherical dome. क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब. मतलब इसके लिए अगेन हमें क्या चाहिए? अब हमें रेडियस नहीं गिवन. गिवन क्या है कि अंदर से पेंट किया. मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि हमने एक हेमिस्फीयर को अंदर से पेंट करना है. तो अंदर से पेंट करना है तो उसकी क्या गिवन होने, क्या चाहिए हमें, क्या निकालना है? हेमिस्फीयर है, ठीक है. एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? जैसे जिसको जिस डोम डोम देखा था, अगर हेमिस्फेरिकल डोम है आपके पास ऐसा, उसको हमें अंदर से पेंट करना है. इसका मतलब हमें उसका क्या एरिया चाहिए? कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया. अब हमें एरिया गिवन है कि इतने एरिया को पेंट करने के लिए हमें टोटल मनी गिवन है, डिवाइडेड बाय जितना 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए मनी लगती है वो गिवन. उससे हमारे पास क्या निकलेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. नहीं समझ आ रही? हाँ जी बेटा, इधर देखो. सपोज करो आपने एक हेमिस्फेरिकल डोम को पेंट करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, तो आप कौन सा एरिया निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया. सपोज हमने निकाल दिया, ठीक है. उसके बाद हम कॉस्ट निकालते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सपोज रुपीज 10. ये आ गया सपोज 100. कॉस्ट ऑफ 100 इज व्हाट? 100 इनटू 10. तो हमारे पास ये क्या आता है? टोटल कॉस्ट. अगर टोटल कॉस्ट को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है एरिया. एरिया इज टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट पर मीटर या सेंटीमीटर. अब हमें इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पर भी पर के हिसाब से गिवन है, वहां से क्या आएगा? एरिया. एरिया से रेडियस, रेडियस से वॉल्यूम. हमने आगे क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है ऐसे. ये आपको याद रखना है कि जब टोटल कॉस्ट दी है और कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से दी है तो एरिया निकलेगा बाय डिवाइडिंग इट. फाइन फाइन. सो राइट डाउन. Inside surface area of dome is total over cost. आप लोगों को समझ आ गई है? ठीक है. Total cost पर divided by cost per meter square. Total cost is 498.96 divided by 2. This is in meter. ये हमारे पास क्या है? Inner curved surface area. अगर इन 2.00 जो कॉस्ट गिवन होगी उसके हिसाब से करना, ठीक
ठीक है, बुक में चेंज होगा मे बी किसी बुक में. सो दिस इज व्हाट इनर क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, बोलो. 2 pi r square. दिस इज 2 pi r square. यहां से रेडियस निकालोगे, रेडियस से वॉल्यूम कर लोगे अपने आप आगे. यस मैम. कितने क्वेश्चन कर रखे हैं? 2. बस इतना नोट कर लो बेटा. डू द कैलकुलेशंस एट होम एंड डोंट लीव द कैलकुलेशंस. ओके, याद नहीं तो याद तो पढ़ोगे, कॉपी खोलोगे तो याद रहेगा ना रेजा. आर आपका आता है 63/10, 6.3. ठीक है, रेडियस है 6.3, फिर वॉल्यूम निकाल लेना आपने. ओके, हाँ जी हाँ जी, भरेंगे. बस रोज मेरे पास आएगा तो बच्ची. अरविंद बुला रहे हैं, रिसेप्शन पे जाओ. 9 question. रेजा वो गुस्सा करके गया. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of new surface, new sphere and ratio of s and s dash. Okay. सॉलिड आयरन स्फीयर्स मेल्ट होकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा स्फीयर. इसका मतलब क्या है? 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया. कैन वी से दैट वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल आयरन स्फीयर्स? यस, तो आप लिखिए सबसे पहले इसमें. लेट, मैं बोल रही हूँ लिख रही हूँ, लेट स्मॉल आर बी द वॉल्यूम ऑफ बी द रेडियस ऑफ, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल आयरन स्फीयर. Let small r be the radius of small iron sphere. Capital R. Let small r be the radius of small sphere. And capital R is the radius of bigger sphere. आज करनी है. Capital R is the volume of bigger sphere. Capital V is equal to 27 small. Four by three pi capital R cube is equal to 27 into 4/3 pi small r cube. 4/3, 4/3 दोनों तरफ है, सीधा कट जाएगा. पाई दोनों तरफ है, सीधा कट जाएगा. आर क्यूब इज 27 आर क्यूब. पूछा क्या है हमसे? रेडियस आर ऑफ आर डैश. अरे क्वेश्चन में आर डैश गिवन है, कोई बात नहीं, इसको आर डैश कर लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, फिर आपको लिखना पड़ता. अभी ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे दिया है दैट आर डैश इज द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर बिगर वन. सो हमें आर डैश फाइंड करना है. लुक हियर, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब
So can I write like this? 27 R cube is 3 R whole cube. ये R dash का क्या है? Cube. Bracket डालो चाहे ना. Cube cube cancel. R dash is equal to जो रेडियस है वो R की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि हमें स्मॉल वाले स्फीयर का एग्जैक्ट रेडियस नहीं पता. ठीक है. सो R dash is 3 R. नोट डाउन क्विकली. Required ratio S and S dash. S over S dash. What is S? Surface area of sphere. 4 pi R dash square over 4 pi. Sorry, 4 pi R square over 4 pi R dash. प्रांशी, अरविंद एंड रिद्धिका. नहीं, आप यहां बैठोगे आज. अरविंद यहां, आप रिद्धिका आप बैठना चाहते हैं, आप भी फर्स्ट बेंच पे आ जाओ. नहीं, मुझे नहीं पता, यहां बैठोगे. अदरवाइज मैंने आपको नहीं बैठने देना इनके साथ बातें. ये देखिए बेटा, आपके पास आ गया आर स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर. आर डैश इज व्हाट? 3R. तो R स्क्वायर R डैश की जगह पे, अगर R डैश का स्क्वायर है इसका मतलब 3R का स्क्वायर. 3 स्क्वायर 9 R स्क्वायर. R स्क्वायर R स्क्वायर मतलब R डैश को हमने R की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया. R स्क्वायर कैंसिल. 1 बाय 9 इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. डायमीटर गिवन है स्फीयर का. यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. सुनो, एक स्फेरिकल शेप में मेडिसिन है, उसमें कितनी मेडिसिन आती है इसका मतलब एक मिनट, उसका क्या फाइंड करोगे? वॉल्यूम. मिलीमीटर में डायमीटर है, मिलीमीटर में रेडियस आएगा, फिर मिलीमीटर में ही वॉल्यूम. सिंपल. फाइन. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. एंड नहीं, ऑप्शनल नहीं करनी. ठीक है, ऑप्शनल नहीं करनी. टुमारो इज योर टेस्ट एंड डोंट get fail in the test, then you know what you have to do. All right, see you in the next class. Quadrilaterals.